lot of killings happen. I love it. Sabhi ke characters bahut powerful hai. राधे फिल्म का आ गया वर्डिक्ट। ओटीटी पर फिल्म हिट हुई या फ्लॉप? ईद के मौके पर रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्म राधे को Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के लिए एक नया स्टेप था और इसीलिए सलमान खान की राधे फिल्म पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि क्या ये फिल्म ओटीटी पर हिट होती है या फ्लॉप। अगर राधे फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो बॉलीवुड में कई आने वाले समय में कई सारी फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि राधे फिल्म ओटीटी पर हिट हुई है या फ्लॉप। सबसे पहले बता दें कि भले ही ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई हो लेकिन फिल्म की कमाई के लिए फिल्म को एक नया फॉर्मूले के साथ रिलीज किया गया था और इस फॉर्मूले में राधे फिल्म को पे पर व्यू के तरीके से रिलीज किया गया था, यानी कि आप ओटीटी पर ये फिल्म को सिर्फ 20 दिनों के लिए ही खरीद सकते हैं और एक बार ये फिल्म देखना शुरू कर दिया तो ये फिल्म को सिर्फ 4 घंटों में ही फिनिश करना रहता है। ये फॉर्मूला इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में थिएटर बंद है तो इस तरीके से फिल्में रिलीज भी हो सकती हैं और कमाई भी कर सकती हैं और उसका रिजल्ट हमें सलमान खान की राधे फिल्म पर भी देखने को मिला है। बता दें कि सलमान खान की राधे फिल्म को सिर्फ 4 दिनों में 8.9 मिलियन व्यूज मिले हैं और इस हिसाब से फिल्म का कलेक्शन करें तो ये फिल्म ने सिर्फ पहले वीकेंड में ही 225 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर लिया है और ये एक बहुत बड़ी सफलता है, यानी कि राधे फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी हिट साबित हो चुकी है। हालांकि ये फिल्म को क्रिटिक्स के द्वारा मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है और मास ऑडियंस ने ये फिल्म को काफी पसंद किया और क्लास ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आई। फिर भी ये फिल्म ओटीटी पर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब रही है। तो दोस्तों इस पर आपका क्या रिएक्शन है हमें जरूर बताएं। राधे फिल्म को पायरेसी में देखने वालों को होगी जेल, सलमान खान और जी स्टूडियो ने लिखा लेटर। सलमान खान की राधे फिल्म 13 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी। ये फिल्म को एक नई एक्सपेरिमेंट के साथ भारत में रिलीज किया गया था। राधे फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन या फिर फ्री में नहीं बल्कि पे पर व्यू के हिसाब से रिलीज की गई थी, यानी कि अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो 250 देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी पायरेसी वेबसाइट एक्टिव हो गई है जो ये फिल्म के कलेक्शन को असर कर रही है और ये फिल्म की पायरेसी करके टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर वेबसाइट पर फ्री में पूरी मूवी अपलोड कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कल ही सलमान खान ने एक ट्वीट लिखा था जिनमें उन्होंने कहा था कि हमने राधे फिल्म को रीजनेबल प्राइस में ओटीटी पर रिलीज किया है लेकिन कई सारी पायरेट वेबसाइट है जो ये फिल्म को इलीगल तरीके से अपलोड कर रही है और ये एक सीरियस क्राइम है जिन पर साइबर सेल एक्शन लेना शुरू कर रही है। अगर आप भी इस तरीके से मूवी अपलोड या फिर डाउनलोड करके देखते हो तो आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हो, आपको जेल भी हो सकती है। फिर भी सलमान खान के इस लेटर के बाद भी कई सारे लोग ये फिल्म को अभी भी इलीगल तरीके से अपलोड और डाउनलोड कर रहे हैं और इसके कारण जी ने एक बार फिर से लेटर लिखा है कि राधे फिल्म से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये फिल्म ने 3 दिन में बहुत ही दमदार कलेक्शन भी किया है लेकिन अब ये फिल्म की कलेक्शन पर असर डालने के लिए कई सारी पायरेटेड वेबसाइट्स फिल्म को फ्री में अपलोड कर रही हैं और ये एक अपराध है, हम उन सब लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने आगे लिखा कि एक फिल्म बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, हजारों लोगों की मेहनत के बाद एक फिल्म तैयार होती है जिनमें हर लोगों का योगदान रहता है। जब ऑडियंस फिल्म को देखती है तो फिल्म मेकर्स के साथ साथ गवर्नमेंट के पास भी फिल्म का टैक्स पहुंचता है और अगर आप इसे आपराधिक तरीके से देखेंगे तो आपको जेल या फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 250 रुपए में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं और अगर आप भी इलीगल तरीके से देख रहे हो तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है।